हर साल आप डब्बू के कैलेंडर पर होते हैं, इस बार क्या खास हमने आपकी तस्वीर देखी लाइस के साथ, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे इस तस्वीर के बारे में? यार वो एक ट्रेडिशन सा बन गया है डब्बू के साथ, हर साल जो है हम एंड ऑफ द ईयर फोटो खींचते हैं और डब्बू इतने अच्छे फोटोग्राफर हैं, हम सब अच्छे ही लगते हैं, सो इट फील्स नाइस। आई मीन अगर जब नहीं होगा तो लगेगा कि यार ये कुछ खाली खाली सा रह गया, सो लाइक एवरी ईयर आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ यू। दिस इज़ लाइक आर न्यू ईयर पार्टी ऑफ ऑल फोटोग्राफर्स एंड सिनेमाटोग्राफर्स एंड ऑल द टेक्नीशियंस इन द इंडस्ट्री, सो इट्स गुड टू बी हियर। मुझे मेरी छोड़ के बाकी सबकी बहुत अच्छी लगी, आई थिंक दे ऑल वेरी गुड, दे ऑल फोटोजेनिक, दे नो हाउ टू पोज, आई एम नॉट वेरी गुड विद फोटोग्राफ्स, डब्बू एंड मनीषा मेक मी लुक नाइस, सो व्हेन आई सी अदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आई थिंक दे ऑल लुकिंग क्वाइट स्टनिंग, आई हैवन्ट सीन देम प्रॉपर्ली, आराम से मैं देखा नहीं है, तो जब कैलेंडर घर में आएगा ध्यान से देखूंगा, बट आई एम श्योर ऑल ऑफ देम आर लुकिंग वेरी गुड। मैंने भी ये खबरें सुनी हैं, यू शुड आस्क द प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्यूबलाइट, वो सही जवाब देंगे तुमको। 10 दिन हो गए नए साल के, कैसे रहे ये साल और नए साल से आपकी उम्मीदें? यार बहुत हेक्टिक रहे हैं और मेरे को थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, जुकाम और बुखार है मुझे इस वक्त, बिकॉज मैं आई थिंक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि थोड़ा काम ज़्यादा हो जाएगा, मैं इम्तियाज़ अली की फिल्म की कुछ 4-5 दिन की शूटिंग है, रईस का फिनिशिंग काम है एंड देन प्रमोशन शुरू हो गया, तो थोड़ा हेक्टिक रहा है, बट मुझे खुशी है इंशाल्लाह सारा साल ही इतना हेक्टिक और अच्छा रहेगा। मुझे दो चीज़ पूछनी है, इस साल यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड भी मिलेगा, हम बातचीत नहीं कर पाए थे आपसे, अगर कोई दो शब्द कहना चाहे उस पर? यार बहुत बड़ा ऑनर है कि उनके नाम से जो अवार्ड शुरू हुआ, यश जी ऑफकोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स आर कंट्री हैज सीन, आई बीन एसोसिएटेड विद हिम एंड बाकी लोगों को जिनको मिला है ये अवार्ड, बहुत बड़े नामचीन और बड़ी हस्ती हैं, मुझे नहीं लगता था कि मुझको इतना जल्दी देंगे, बट आई मीन ये बहुत ग्रेसफुल है उनका, मैं बहुत ग्रेटफुल एंड जब मुझे फ़ोन आया था कि आपको हम ये देना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसा पूछा नेकी और पूछ, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थ्रिल्ड एंड और ऑल्सो विद माई क्लोज एसोसिएशन विद यशराज फिल्म, थोड़ा और भी अप्रॉक्सीमेट और अपनापन लगता है। एक सवाल, आपका जल्दी एक सॉन्ग आ रहा है रईस फिल्म का, उड़ी उड़ी, हमने सुना है कि आप मन्नत में प्रमोट करने वाले हैं पतंग उड़ाते हुए, इसके बारे में कुछ बताएं? यार मैं करने वाला था, लेकिन मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा हम कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया वो पतंग अगर उड़ी नहीं तो आप लोग जब शूट करोगे ना बड़ा अजीब लगेगा, कभी कभी जो है ना करनी वनी जो उसकी गलत हो जाती है, सो आई थिंक वील मीट अप फॉर समथिंग एल्स, और अकेली पतंग उड़ाता रहूँ और कोई साथ में मेरे साथ पेच नहीं लड़ा रहा है तो अजीब लगेगा, बट वील डू समथिंग एल्स मे बी, बट द सॉन्ग इज़ बेस्ड ऑन गरबा और क्योंकि गुजराती कैरेक्टर है तो वो एक्चुअली पिक्चर का काफ़ी एसेंशियल पार्ट है कि हमने वो कलर और मतलब ये मैंने आज तक आई थिंक ऐसा कुछ गुजराती कैरेक्टर इतना इंटेंसली नहीं प्ले किया है, तो वो बड़ा अच्छा एटमोसफेयर क्योंकि राहुल ढोलकिया वहाँ के हैं और वो गाना भी बड़ा खूबसूरत है, सुखविंदर सिंह जी ने गाया है, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कलरफुल, सो जब आएगा आई थिंक कल परसों रिलीज होगा, आई होप पीपल लाइक इट एंड स्पेशली इन गुजरात मकर संक्रांति में अगर वो लोग उसको एंजॉय कर सके तो बी मोर फन। थैंक यू In Chhattisgarh, not yet aware of it here, but agar aisa kuch hoga to I'm sure Ritesh and Excel and Red Chillies is looking into it, but mujhko abhi tak aisa kuch khabar nahi aaya, I don't know. Akshay Rathi has tweeted, I'm sorry, I haven't got it personally, it's a tweet kiya, so maybe I'll find out here if there is something, so I don't think it will be of concern, we'll be able to sort it out, I'm sure. Aap aaram kare, bas ek sawal puchna tha. सवाल पूछेगा तो आराम कैसे करूँगा? नहीं पूछेगा तो घर जाऊँगा सोऊंगा। या मुझे मनीषा और डब्बू के बारे में आप कुछ बताना चाहें, उसके बाद में मेरे एक और सवाल है। पहले पूछ ले जो पूछ रहे, तू ऐसे उतावला मत। नहीं नहीं पहले तू, पहले आप। जब तक सांस है तब तक आंस है, चलिए। मैं ये बोला था सर, लॉट्स ऑफ एक्ट्रेसेस हैज वर्क विद यू, now Miss Deepika Padukone debuts in Hollywood, she's coming down at 6 a.m. in the morning with Vin Diesel. तुझे बड़ा बता रही है यार। हाँ सर, वो 8 नंबर गेट है ना सर, तो कुछ कहना चाहेंगे लाइक अबाउट
अरे यार, शी स्टार्टेड ऑफ अ करियर विद मी, सो आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड इट सीम्स लाइक एन इंटरेस्टिंग फिल्म. मैंने अभी पोस्टर्स देखे यहाँ पे आते हुए. आई विश हर ऑल द बेस्ट मिस्टर विन डीजल, ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर एक्शन फिल्म है तो सबको पसंद आएगी. इंडिया में डब भी होगी ना एक्चुअली डिफरेंट लैंग्वेजेस में. सो या आई थिंक विल बी अ नाइस फिल्म. आई विश हर द बेस्ट. अब डब्बू के लिए और मनीषा के लिए इफ यू वांट टू लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड तेरा पूछने का दिल तो है नहीं ऐसे बोल जा रहा तू. बहुत अच्छी तरह तू 8 नंबर गेट पे जा निकल ले तू भी यहां से. नो आई जस्ट वांट टू से डब्बू जो ये ओकेजन बना दिया इसका, आप लोगों को भी बहुत मौका मिलता है, हम सब लोग मिल सकते हैं एक्चुअली. इट्स लाइक अ फन इवनिंग. हम सबको याद रहता है कि डब्बू कैलेंडर बनाएगा और हम सब यहाँ पे मुलाकात करेंगे. एक सेट सा ट्रेडिशन हो गया. सो आई थैंक डब्बू नॉट ओनली फॉर बीइंग द फोटोग्राफर और जैसे वो क्रिएटिव है, बट अदरवाइज ऑल्सो जस्ट फैमिली की तरह फोटोज़ लेते हैं. मेरी तो तकरीबन से महीने में 5-6 बार ही मुलाकात होती है क्योंकि हम एड्स शूट करते हैं, फिल्म शूट करते हैं. सो इट्स ग्रेट डब्बू, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर. सवाल बिग बॉस में आप जाने वाले हैं, पहले भी आप जा चुके हैं सलमान के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार अभी क्रिएटिव फाइनलाइज नहीं किया है, बट वॉज फन शूटिंग. वो जो प्रोमो बनाया था वो सलमान ने कुछ रईस का पठानी सूट वगैरह पहना हुआ है, इट्स आउट नाउ ना. हाँ सो बहुत इंटरेस्टिंग था एंड वहाँ पर भी हम लोग कुछ बैठेंगे, कुछ डिसाइड करेंगे एंटरटेन करने के लिए, बिकॉज हम दोनों जब साथ आते हैं तो कोशिश ही रहती है कि लोग एंटरटेन हो. सो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 डेज आई विल गो एंड शूट फॉर इट, सो इट विल बी फन. थैंक यू डब्बू. थैंक यू. हाँ थैंक यू वेरी मच डब्बू फॉर गेटिंग अस ऑल टुगेदर. थैंक यू एवरीवन. बहुत-बहुत दुआएं आपके लिए, साल के लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे एंड मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस एंड सक्सेस. और कुछ? थैंक यू डब्बू फॉर डूइंग दिस. थैंक यू एंड गेटिंग अस ऑल टुगेदर एंड डूइंग द अमेजिंग पिक्चर्स दैट यू डू. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग हियर फॉर अस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड नाइट यार. और कुछ खाना वाना खा ले तू यार, एयरपोर्ट जाना है. सर एक फोटो इधर ही. सर 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 इधर लीजिए. Thank you everyone, thank you, good night. Thank you. Coming back on.